तो दोस्तों आप अपने मोबाइल को कर लीजिएगा रोटेट स्क्रिप्ट। और गाइस मैं अपने जो है तो आप देख सकते हो मैं अपनी फ़ोटो को ले लेता हूँ, अपने जो हमारा पिक्सेट ऐप है तो उस पर लेने के बाद मैं अपनी फ़ोटो पर देख सकते हो फ़ोटो ले कर आ चुका हूँ। इधर जाने के बाद मैं साइज इसका सिलेक्ट कर लूँगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो इसका साइज मैंने 600 और हाइट जो है तो ज़्यादा कर दी, तो इसको 2590 रख के सेव कर लेते हैं। तो इतना कर लेने के बाद दोस्तों हम आप इधर स्क्रॉल कर लीजिएगा तो आप देखने मिल जाए आपको एक एडजस्ट वाला ऑप्शन। तो इसकी जो हम मतलब फ़ोटो में लाइट को थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो इसकी सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और सेचुरेशन को बढ़ा लेने के बाद आपको इसकी जो शेडो है इसको थोड़ा खींच देंगे ताकि फ़ोटो पे अच्छा लाइट आ जाए। और लाइट को खींच देने के बाद दोस्तों हमें इरेज करना है जो मतलब हमारा फेस है तो उस पर हमें हटा लेना है और बाकी के बैकग्राउंड पे रहने देना है। तो आप तो समझ गए होंगे मतलब फेस पे हमें कोई इफेक्ट नहीं डालना है ये वाला। तो हमें अपने बैकग्राउंड पे थोड़ा लाइट चाहिए था इसलिए मैंने साइड साइड का देखो मैंने कर दिया है। तो मैं बॉडी से भी थोड़ा हटा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों मैं फ़ोटो को टर्न कर लेता हूँ, तो फोटो हम टर्न कर लेते हैं। फोटो डन हो जाने के बाद दोस्तों बैक आ जाएंगे हम कुछ इस तरीके से। तो इतना हो जाने के बाद दोस्तों मैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके इधर आपको एक ऑप्शन मिलता है कलर वाला, तो इधर हमारा जो ग्रीन है तो उधर हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। येल्लो है तो हमें अपनी शर्ट का रंग बदलना है। जी हाँ गाइस, तो ग्रीन पे सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको मेन ह्यू मिलेगा और मैक्स ह्यू मिलेगा। तो इसको अगर फुल कर दोगे तो हमारा बैकग्राउंड एकदम से वाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो गाइस, तो हमें तो वाइट नहीं रखना है, हमें अपनी शर्ट का कलर मतलब वाइट करना है। अगर आपको करना है तो शर्ट का कलर कर सकते हो, यदि आपका बैकग्राउंड का मतलब करना है तो आप बैकग्राउंड का भी कर सकते हो। आप मतलब आपको कैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। तो मैंने अपना जो स्किन का कलर है तो उसको थोड़ा अच्छा कर लिया है, आप देख सकते हो। तो स्किन के कलर पे हम चले जाएंगे, और इसकी गाइस जो कलर है तो एक रेड है और ग्रीन है और ब्लू है, तो ब्लू वाले को करके इसकी जो है तो फुल नीचे को खींच देंगे एंड वाला ऑप्शन। तो इतना करने के बाद हम जाएंगे इरेज वाले ऑप्शन पे, और इरेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम इसको अपने फेस से पूरी तरीके से हटा लेंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो फटाफट से मैं अपने जो हमारा मॉडल है तो इससे अपना हटा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। आप अपने फ़ोटो पे आराम आराम से इरेज कर लीजिएगा जिससे गाइस आपकी फ़ोटो पे कोई अलग प्रकार का प्रभाव ना आए। तो मैं आराम आराम से कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिए, आप बड़े ध्यान से कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपके ये जो फोटो एडिटिंग है तो गाइस ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो अपने हाथों से भी हटा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने लगभग मैंने अपने फोटो से जो येलो कलर का था तो निकाल दिया है उसको, और इसको बैकग्राउंड पे ही रहने दिया है, आप देख ही सकते हो। तो इतना हो जाने के बाद हम फोटो को कर लेंगे डन, और इतना आ जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है रेड वाला, तो रेड वाला को जितना खींचोगे तो उतना ही ग्रीन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रेड वालों को खींचने से वो हमारा ग्रीन हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये ग्रीन गाइस आप देख सकते हो इधर थोड़ा है, तो इधर मैं कर लेता हूँ, और इधर भी अच्छे से आप कर लीजिएगा आपको जिधर भी करना है। तो इतना करने के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट वाले ऑप्शन पे, और इधर हमारा थोड़ा कम हो गया था तो इधर हम कर लेंगे रिस्टोर कर लिया है। आप भी अपने फोटो पर अच्छे से देख लीजिएगा किधर क्या करना है। तो इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप देख ही सकते हो हमारा फ़ोटो काफ़ी हद तक मतलब अच्छा हो चुका है। तो फोटो के कर लेंगे डन, तो डन करने के बाद दोस्तों हमारा फोटो कुछ इस तरीके का है। तो इधर जाने के बाद हम जाएंगे ब्यूटी वाले ऑप्शन पे, और ब्यूटी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद स्मूथ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और जो हमारा फेस है गाइस तो ऑलरेडी वो स्मूथ हो जाता है। आप अपना डाटा ऑन कर लीजिएगा तो स्मूथ फेस अपने आप से हो जाता है कुछ इस तरीके से। स्किन टोन पे इसको वाइट पे रख सकते हैं और रेड पे भी रख सकते हो, उस पर बहुत सारी टोन है। अगर चाहो तो बाजू से आप कलर भी चूज़ कर सकते हो आपके फेस को कौन सा कलर रखना है। तो मैंने जो रखना था मैंने रख दिया है वाइट वाला। तो हमारी फ़ोटो काफ़ी हद तक मतलब ब्यूटीफुल आ चुकी है, और गाइज
मतलब एकदम अच्छा वाला लुक फोटो में आ चुका है, बेस्ट वाला लुक। तो इधर जाकर मैं ये PNG ले लेता हूँ, स्माइल वाला आप देख ही सकते हो। तो इधर मैंने इसकी जो बैकग्राउंड है तो उसको हटा लिया है, आप उधर जाके ब्लैक स्किन पर करके इसको मल्टीप्लाई से करके स्किन पर कर लीजिएगा, ये भी ऑलरेडी हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद फ़ोटो को थोड़ा जूम करके अच्छे से बिठा लेंगे, जो इमोजी है हमारा कुछ इस तरीके से कि मतलब फ़ोटो को हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए लेंगे। और इधर करने के बाद दोस्तों आप देखिए फ़ोटो इधर से हो जाएगी सेव। तो आप अपनी फ़ोटो को सेव कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से, और हमारी फ़ोटो हो चुकी है एडिट जो मैंने ग्रीन कलर वाला बताया था। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल को, कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, बाय बाय।